हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। आज से हम आपकी इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम 1 जनवरी से इंटरव्यू के सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज हम आपके लिए क्लास ले ही आए हैं। और ये हमने अपना पूरा 100% एफर्ट दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, तो इसके लिए शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें खुद के अपने रियल एक्सपीरियंस भी इसमें डालने वाले हैं, जो कि हमें इंटरव्यू में, केवीएस इंटरव्यू में भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मैं यही चाहूंगी कि जो बच्चे भी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं उनको बेनिफिट मिले। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, आई वॉन्ट टू विश ऑल हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश कि सबको, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, सबकी जॉब लगे। और मैं यही विश करती हूँ कि आपको नए साल में नई नई खुशखबरी मिले। तो मेरी यही दुआ है आप सभी को। आज हम इंटरव्यू के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंटरव्यू में। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि केवीएस के इंटरव्यू में 4 टीचर्स बैठते हैं, जो पैनल होता है उसमें 4 मेंबर्स होते हैं, और उसमें कोई भी पीआरटी का टीचर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो उसमें आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी का टीचर, और एक उसमें होता है साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से जज करता है। वो आपके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है, उनको ऑब्जर्व करता है बहुत अच्छे से। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, खासकर वो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो भाई नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आपका जितना भी इंटरव्यू डिपेंड करता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एटिक्वेट्स की। बेसिकली हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है इंटरव्यू में। जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो तो आपको परमिशन लेके एंटर करना है। कभी कभी क्या होता है भाई, नर्वस हो जाते हैं और उसमें हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और जो हमें भूलना नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी इंटरव्यू रूम में एंटर करो तो आपको मे आई कम इन बोलकर ही एंटर करना है। और उसके बाद आपको क्या, जब वहाँ पर पैनल, मैंने बताया कि 4 लोग बैठे होंगे, तो आपको सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग विश करना है, बहुत पोलाइटली और एक स्माइल के साथ। लेकिन स्माइल बिल्कुल मत भूलिए अपना, कि स्माइल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी इंटरव्यू में छिपाने का काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगी, आप हमारी क्लासेस लेते रहिए। और आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करना है। देखिए, मैंने बताया कि 4 मेंबर्स होते हैं, उसमें हो सकता है कि इस सीक्वेंस में बैठे हो, जैसे कि एक मेल बैठा है, उसके बाद एक फीमेल है, फिर एक मेल है और फिर एक फीमेल है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आप सिंपली कहेंगे कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कह रहे हैं, तो सिर्फ एक मेंबर की तरफ, एक टीचर की तरफ आपकी नजरें नहीं होनी चाहिए, आपकी नजरें चारों टीचर्स की तरफ जानी चाहिए जब आप गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोले। और एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विश करना है। देन वो टीचर्स, उनमें से कोई एक आपको कहेंगे कि सिट डाउन, तो आपको बैठना है और थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू उनको, जिन्होंने आपको बैठने के लिए कहा, उनकी तरफ देख के आपको कहना है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे गुड मॉर्निंग कहना, थैंक यू बोलना, आपका कॉन्फिडेंटली एंटर करना, एक स्माइल होना। तो यही सब बच्चा आपका इंटरव्यू में बहुत, सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब वो आपको बैठने के लिए कहे तो आपको थैंक यू बोलना है, और दूसरा थैंक यू आपको बोलना है जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए, तो वो आपको कहेंगे कि आप अब जा सकते हैं, उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये कहना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या थोड़ा कम अच्छा हुआ है। बच्चे, सेकंड पॉइंट है आपका फेस एक्सप्रेशंस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, जो भी आपका इंटरनल बिहेवियर है, जैसे आप नर्वस हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, उदास हो, एंग्री हो, वो सब आपका फेस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो आपका इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, तो उनको, मतलब उन्होंने बच्चे ही देखे, ये लगा लीजिए,
तो वो आपका कैच कर लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप डरे हुए तो नहीं हो। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका फेस एक स्माइलिंग फेस, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक स्माइलिंग फेस होना बहुत जरूरी है। बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज में आपकी बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है, जिसमें आपका वे ऑफ वॉकिंग, कैसे आप चलते हैं, कैसे आपके फेस के एक्सप्रेशंस है, जेस्चर्स कैसे हैं, आपके बॉडी पोस्चर्स कैसे हैं, तो ये सब आपका देखा जाता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो साइकोलॉजिस्ट की, जो मैंने कहा था कि एक साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जर्व करता है, वो सब ये चीज़ें डिटेल में आपका देखता है। तो वो कैसे, मतलब जैसे आपने इंटरव्यू रूम में एंटर किया, आप कैसे चलते हो, ज़्यादा कंधे झुकाकर तो नहीं चलते हो या फिर ज़्यादा स्टिफ होके तो नहीं चलते हो, तो ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। और आपका बैठने का तरीका, आपके टोन ऑफ वॉइस, आपका एटीट्यूड, तो ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती है। तो आपको, मतलब जैसे बोलते वक्त आपको ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि ऑडिबल हो। ये भी नहीं है कि, मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत धीरे बोलना है कि किसी को आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपको इनफ लाउडली बोलना है कि ऑडिबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल नहीं बोलना है। और तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बैठने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बच्चे, आपको बैठते वक्त दोनों आपके हाथ लैप पे होने चाहिए, वो सबसे अच्छा वे है। अब इस फोटो में देखिए आप, इसमें ये लड़की फेस एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे दे रही है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ बैठी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इसके जो हैंड्स हैं वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो इसका हैंड पोस्चर गलत है, जो कि इसकी बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपना स्ट्रेट पोजिशन में, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी हैंड्स लैप पे होने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजिशन में नहीं होना है आपको। आपका वो फॉर्मल इंटरव्यू है, ना कि इनफॉर्मल। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले तो ये कह दिया कि बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स में ये भी कह दिया कि आपके बोलने का तरीका भी नोट होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बोलने का तरीका है तो फिर ये तो वर्बल हो गया, लेकिन मेरी बात यहाँ किस चीज़ से थी? मेरी बात थी आपके फेस एक्सप्रेशन से। जब हम बोलते हैं ना, तो हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे फेस के एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको एडवाइस देती हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करें। पोएम रिसाइट कर सकते हैं, अपने लेसन प्लान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, आपको पता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बन रहे हैं। दूसरा होगा आपका कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो ये दो चीज़ इससे फायदे मिलने वाले हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे पोएम ही रिसाइट कर रहे हैं या लेसन प्लान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक अपना सेल फोन रख के उसमें वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो में भी आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो सब आपका नोट हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो, तो आप अपने किसी भाई बहन को कह सकते हो, तो वो बना देगा, और इससे आपका क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आप इन दोनों तरीकों को फॉलो करके देख सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीकिंग स्किल्स का। ये पॉइंट भी आपका इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है। इंटरव्यू में देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में केवीएस में दोनों फॉलो होती है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे पता चलता है आपको कि किस लैंग्वेज में आपको बोलना है। अगर इंटरव्यू में कोई टीचर आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप हिंदी में रिप्लाई कीजिए, और अगर कोई इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में कीजिए। और इंग्लिश में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उन टीचर ने क्या पूछा या उनकी लैंग्वेज बहुत फ्लुएंट थी, तो आप कहेंगे पार्डन प्लीज। तो आपको पार्डन प्लीज कहना या फिर सॉरी कहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि किसी टीचर ने कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको लगता है कि हम उसको इंग्लिश में सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिंपली बहुत पोलाइट वे में आपको पूछ लेना है, और वो पूछना कैसे है, हिंदी में नहीं पूछना है, आपको इंग्लिश में ही पूछना है, और कहना है कि आई कैन एक्सप्लेन इट इन हिंदी, मे आई स्पीक इन हिंदी। तो अगर आपको परमिट करते हैं कि हाँ जी आप कह दीजिए, आप हिंदी में बोल दीजिए, तब आपको हिंदी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर वो नहीं कहते हैं, वो इसी चीज़ पे रहते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, तो आपको यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, चाहे आपको कैसे भी आ रही है। बच्चे, ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स मत लीजिए, लेकिन सिंपल वे में आपको बोलना पड़ेगा।
इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पोज लेके भी बोलना चाहिए, थोड़ा सा आपको स्टिमुलस वेरिएशन होता है एक माइक्रो टीचिंग में, मतलब कि है कि आपका किस चीज़ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस लेना है, कहाँ आपकी आवाज़ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है, कहाँ आपको पोज लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो और प्रभावी लगेगी और इफ़ेक्टिव बनेगी। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने ज़रूरी है। इंटरव्यू से पहले दिन अपनी नींद को पूरी कर ले, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो सेंटर्स पढ़ते हैं वो दूर दूर पढ़ते हैं। जैसे 2016 को ही देख लीजिए, सेंटर्स थे मुंबई में, वेस्ट बंगाल में, जयपुर में, तो बच्चों को फ्लाइट में भी जाना पड़ा था और इस वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं यही कहूँगी कि आपको टाइम पे जाना है, अपना फ्लाइट का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर रखनी है, ताकि आप कहीं से भी थके हुए या नींद से भरे हुए ना दिखे। आपको बिल्कुल फ्रेश फेस लेके जाना है, एक स्माइलिंग फेस के साथ वहां पर जाना है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये लड़की उबासी ले रही है, इससे साफ झलक रहा है कि इसकी नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। तो आपको यही चीज़ें अवॉइड करनी है, जो भी आपका फ्लाइट का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, या खुद से आप अपने व्हीकल से जा रहे हो, कार से, किसी भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आपका सेंटर दूर पड़ा है तो आपको प्रॉपर टाइमिंग देखनी होगी कि किस टाइम पर आप पहुंचेंगे, कहां पर आपको स्टे करना है, कहां पर अपनी नींद पूरी करनी है। और फ्रेश फील होने के लिए आप चाहे तो लिटिल फ्रेग्रेंस का आप डिओड्रेंट भी लगा सकते हैं। ज़्यादा तेज डिओड्रेंट की मैं बात नहीं कहूँगी, बहुत हल्की स्मेल आए जिसमें, फ्रेग्रेंस जिसमें बहुत धीमी हो, वो वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है जिसका आपका बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि भाई कुछ इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने पॉलिटिक्स की बात कर ली और आप है भाई मोदी भक्त है या अरविंद केजरीवाल के फेवर में है, या आप ब्ला ब्ला में किसी पॉलिटिशियन का ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहती, सबके अपने फेवरेट है, ठीक है, उनके ऊपर ही बात कर ली और आप है कि अपने आर्ग्यू करने लग गए उनसे कि नहीं ये अच्छा है, वो कह रहे कि नहीं उसका ऐसा है, तो वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है भाई। आपको किसी भी साइड नहीं लेना है, एक साइड लोप साइडेड नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल एक बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं है कि आप इसकी साइड लेते दिख रहे हैं और दूसरे को आप बुरा भला कहते दिख रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है वो ये है कि आपको वहाँ पर इमोशनल होके नहीं दिखाना है। ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी या ऐसा ही पहले आप सोच के चले गए और वहाँ पर रोने लग गए। मेरे साथ ऐसा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने जब वो मेरा JNU में सेंटर पड़ा था KVS के लिए, तो वहाँ पर एक लड़की रोने लग गई थी। तो बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल आप नहीं करेंगे वहाँ पर। और दूसरा, मैंने एक जगह और जहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशन के अंडर स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी एक लड़की ने ऐसे ही बहुत रोना धोना किया। तो ये चीज़ें आप दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये चीज़ें मत कीजिए, आप अपने अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन खुद ही वो कर ले। आप ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना कि आप रो रहे हैं या फिर आपको अपने ओवर इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाने हैं। जैसे आप इस फोटो में देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे इससे कुछ क्वेश्चन पूछा और इसको नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। यहाँ आपकी फर्स्ट क्लास फिनिश होती है। इस क्लास में मैंने आपको सारा बेसिक एटिकेट्स के बारे में बताया है, जो भी बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत है इंटरव्यू के टाइम पे। स्टार्टिंग यहीं से होती है कि बेसिक से आप आगे जाए कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, फिर आपको कैसे फेस करना है, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके, बस मैं यही चाहती हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एट लास्ट वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं यही चाहूँगी कि आपको नई नई खुशखबरी मिले, अच्छी अच्छी खुशखबरी मिले नए साल में। थैंक यू सो मच। यही हमारा फर्स्ट क्लास खत्म।